Hi guys, hello to all of you. I welcome you all from my heart to Vedantu Commerce for a better future. कैसे हैं सब बच्चे? How are you guys doing? This is your master teacher CM Madhusha Dua और हम साथ मिलके पढ़ते हैं business studies. I wish you all a very happy Ugadi, Gudi Padwa and happy Vaisakhi to all of you. I hope this festival brings a lot of happiness to your life. So, guys, let's begin with today's session. Today, we will be doing HOTS, Molito High Order Thinking Skill questions from your chapter number one. So, before we begin today's session, let's talk about what. क्या है वोट बेटा जी? A lot of you have already participated and have registered for it, and those who haven't, guys, वोट इज वेदांतुज ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम. ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये कम बैक है. दीज आर द 4 days when वोट इज स्केड्यूल्ड. दीज 3 days आर ऑलरेडी ओवर, सो यू स्टिल हैव 1 day एज अ चांस टू मेक योर कम बैक. वॉट इज वोट? वॉट आर द डिटेल्स ऑफ वोट? लेट मी टेल यू. So guys, it's a free of cost all over India level exam happening on all these 4 days at 3 p.m. You will get an in-depth performance analysis with all India rank, state-wise rank, subject-wise rank, and also your time performance analysis. Guaranteed scholarship मिलने वाली है 500 करोड़ के पूल में से. Daily challenges में you can win prizes up to 1 crore rupees, worth 1 crore rupees. ओके, आप एक दिन की सीईओ भी बन सकते हो वेदांतु के, एंड ऑल्सो विन अ ट्रिप टू नासा. जो ये नासा के लिए ट्रिप है, इट विल बी ऑल एक्सपेंसिस पेड, एन एजुकेशनल ट्रिप टू नासा इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ऑल्सो जो रोज वाले चैलेंजेस हैं, डेली चैलेंजेस हैं, उनमें आप प्राइजेस, गैजेट्स जीत सकते हो, जैसे कि ड्रोन्स, टेलीस्कोप्स, लैपटॉप्स एंड मेनी मोर. Plus, you can become the CEO of Vedantu for a day and share your ideas that will change the way millions of students are learning online these days. ओके, वी कॉइन्स एंड डेली प्राइजेस में सब कुछ आप जीत सकते हो. मतलब वी कॉइन्स भी जीत सकते हो डेली चैलेंजेस में, और डेली प्राइजेस में दीज प्राइजेस यू कैन विन. ओके, हाउ डू यू रजिस्टर? देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन इट, फिल ऑल योर डिटेल्स, एनेबल दिस चेक बॉक्स सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन योर व्हाट्सएप एज वेल. आपका एक वोटर आईडी क्रिएट हो जाएगा. नाउ यू हैव टू चूज अ डेट. अब तो खाली 18th of April ही बचा है, तो उसको चूज करने का है. अपन आपको चूज कर लोगे, 3 बजे आपका एग्जाम होगा 18th April को. ठीक बच्चा जी, ये रही आपकी ऐप की लिंक vdnt.in/vdntcommerce. यू कैन वट विल बी द फॉर्मैट ऑफ योर एग्जाम? इट विल बी 11th का कॉमर्स दैट विल बी कमिंग, दैट इज ABE, अकाउंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स. अकाउंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअली 30 क्वेश्चन ईच आएंगे, बोले तो 90 क्वेश्चन इन टोटल. ओके, एवरी राइट आंसर विल गिव यू +4 मार्क्स, एवरी रॉन्ग आंसर विल गिव यू -1 मार्क. तो बोले तो नेगेटिव मार्किंग है, एंड 90 मिनट्स मिलेंगे पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए. नाउ बेटा जी, यू कैन क्रिएट योर ओन स्क्वाड एज वेल. स्क्वाड मतलब अपना खुद का एक ग्रुप बना सकते हो. यहाँ पर आप कैसे बनाओगे स्क्वाड? जैसे डेली रिवॉर्ड्स के साइड में एक टैब है माई स्क्वाड, वहाँ पर जाओगे. यू कैन क्रिएट योर ओन ग्रुप जहाँ पर यू कैन विन बिग विथ योर स्क्वाड. ओके, आप अपना खुद का लोगो, खुद का स्लोगन, खुद का नेम, का नेम ऑफ द स्क्वाड बना सकते हो, एंड रजिस्टर कर लो अगर अभी तक नहीं कराया. ओके बेटा जी, लेट्स मेक अ कमबैक टुगेदर विद वोट. चलिए अब सेशन शुरू करते हैं. बिजनेस स्टडीज क्लास 12th पढ़ रहे थे. वेदांतु कॉमर्स के साथ आने वाला फ्यूचर एकदम ब्राइट है. आज हम करेंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर नंबर 1. बट बिफोर वी बिगिन, आई वांट यू टू मार्क योर अटेंडेंस. लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. थम्स अप मतलब योर अटेंडेंस. कोई भी बच्चा बिना अटेंडेंस मार्क करे नहीं जाएगा. ओके, ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक नहीं किया है. हेयर यू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट ऑल योर यूट्यूब. डेली स्केड्यूल मिलता है आपके वेदांतु कॉमर्स यूट्यूब चैनल के बारे में. क्विजेस होती हैं, आपके नोट्स मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स आर ऑल्सो शेयर है. तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, या तो लिंक से ज्वाइन कर लो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. अदरवाइज यू कैन सिंपली गो टू टेलीग्राम एंड राइट वेदांतु कॉमर्स. आपको चैनल दिख जाएगा, वहां पर जाके ज्वाइन करने का. ओके, चलिए बेटा जी, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज.
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज। चैप्टर नंबर वन में हमने क्या क्या पढ़ा मैम? हमने समझा व्हाट इज मैनेजमेंट, हमने मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, हमने मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस पढ़ा, हमने नेचर पढ़ा मैनेजमेंट का, जहाँ पे हमने मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन ही पढ़ा। फिर हमने मैम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ इन द मैनेजमेंट पढ़ा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, टॉप मिडिल लो, ठीक है। उसके हमने फंक्शंस भी समझे, फीचर्स भी समझे। देन वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन इन डिटेल एंड ऑल्सो ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जो ये हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, हाई लेवल क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, वो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक बेटा जी। चलिए हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स करते हैं ऑफ योर चैप्टर वन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस बिफोर वी बिगिन आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव मी अ हार्ट इन द चैट बॉक्स। इट्स टाइम टू स्टार्ट बट आई वॉन्ट फुल एनर्जी फ्रॉम ऑल ऑफ यू। देखो सबसे बढ़िया बात क्या है ना, हम चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर के साथ हम केस स्टडीज कर रहे हैं, उसके बाद हम मिनटी कर रहे हैं, हम उस चैप्टर से छोटे मतलब स्मॉल आंसर्स कैसे हैं, शॉर्ट आंसर्स कैसे लिखने हैं, तीन और चार नंबर क्वेश्चन कैसे करने हैं वो हमने देखा, और हम छः नंबर क्वेश्चन भी देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, सो इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। तो ऐसा नहीं कि हम आगे करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो है ही, बट जो करेंगे उसको 100% कंप्लायंस के साथ करेंगे, 100% कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे कि बस अब ये चैप्टर डन है। ओके चलिए बेटे विद दिस हाई एनर्जी लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन कमिंग ऑन योर स्क्रीन। नाउ दिस क्वेश्चन, सिंस इट इज बेसिकली अ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एक स्टेटमेंट दी हुई है और आपको उसको एक्सप्लेन करना है, तो आइए समझते हैं क्या है क्वेश्चन। मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स व्हिच मस्ट बी डिराइव फ्रॉम बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस, मतलब जो बिजनेस का बेसिक पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव्स जो है सीख होने चाहिए, मतलब दिखने चाहिए। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ समझाना है, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सोसाइटी के बारे में जो भी अपलिफ्टमेंट करते हैं उसके बारे में हम समझाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट, हम जब मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वही लोग सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को और एक एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं ताकि अचीव कर सकें हम objectives, है ना? It helps to achieve the objectives in such a manner that the human and financial resources, मतलब इंसान भी और बाकी सारे जो पैसों वाले resources हैं या कोई भी और resources हैं वो sync में काम करे। Resources are required, used and maintained in most economic and efficient manner, मतलब time saving भी हो और cost saving भी हो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे से ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल दोनों पूछा है, तो पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल समझा देंगे जो कि है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल क्या है, जितना कॉस्ट हो रहा है उतना रेवेन्यू है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव, मतलब अगर मेरा 100 रुपये खर्चा है तो 100 रुपये आ जाना चाहिए बिजनेस से, इट शुड अर्न इनफ टू रिकवर द कॉस्ट। अगर आप देखो अभी क्वेश्चन के नंबर पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना समझाना है। मान लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और आप चाहते हो एक लाइन में आप एग्जाम्पल देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। बट अगर छोटा क्वेश्चन है, छोटे नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का, 4 नंबर का, तो इतना भी लिखोगे या इससे कम भी लिखोगे तो पैसे नंबर नहीं कटेंगे, पैसे नहीं नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। प्रॉफिट क्या है, इंसेंटिव और रिवॉर्ड जो आपने रिस्क लिया है उसके ऊपर, मतलब मान लेते हैं 100 रुपये आपका खर्चा हुआ है तो 100 रुपये के ऊपर आपके पास जो भी आ रहा है आपका प्रॉफिट है ना। दिस इज बेसिकली व्हाई द बिजनेस इज बीइंग कैरीड आउट, यही तो एजेंडा है, मेन एजेंडा यही है। उसके बाद तो हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी है ना। अब ग्रोथ है, ग्रोथ मतलब लॉन्ग रन में A business needs to add its prospect in their long run, and for this they need to grow and expand in activities. The success of every business is measured by the growth rate, and growth is measured in terms of sales, profits, number of products produced, sold, etc. और कितने लोग काम कर रहे हैं ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप बताएंगे social objective क्या है, social objective क्या होता है। तो सोशल नीड्स को मद्देनजर रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन की सोशल नीड्स भी होती हैं,
उनको मद्देनजर रखते हुए सोसाइटी की नीड्स को हम केटर कर रहे हैं. सिंस ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल नीड्स, देयर ऑब्जेक्टिव शुड बी इन लाइन विद जनरल नीड्स ऑफ द सोसाइटी. तो क्या हो सकता है, रीजनेबल रेट पे लोगों को सामान पहुंचाने का है, कॉन्टिन्यूस पहुंचाने का है, फ्रेंडली मेथड ऑफ, इको फ्रेंडली मेथड होना चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड होने चाहिए सामान बनाने के लिए, और सी आप लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाना. अब आप देखेंगे हमने जब क्वेश्चंस देखे थे, आपके केस स्टडीज देखे थे, वहाँ पे बोल रहे थे कि आप बताइए कि इस कंपनी से क्या वैल्यूज डिराइव हो रही है. देखिए ना, तो हो सकता है सोशल ऑब्जेक्टिव आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आए, यहाँ पे तो डायरेक्ट आया हुआ है, बट कैसे और आ सकता है, दिल गिव यू अ केस स्टडी, ओके, एंड इन वन ऑफ द पार्ट दिल आस्क यू विच सोशल नीड और विच सोसाइटी बेनिफिट इज द कंपनी इज ट्राइंग टू हाईलाइट. तो हमने वहाँ पे पढ़ा था सस्टेनेबल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहे हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, रीजनेबल प्राइस पे बेच रहे हैं, एजुकेशन अपलिफ्ट कर रहे हैं. हमने जब केस स्टडीज पढ़ा था, हमने देखा था, तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं कोई भी पॉइंट, बट इन जनरल आपको मैं बता रही हूँ क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं. ओके, एंड विद दिस वी आर डन विद दिस आंसर. हमने वाला क्वेश्चन कम्प्लीट कर लिया. अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, जितने भी नंबर का क्वेश्चन है आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना. ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड प्रश्न करने वाले हैं. आई वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस. आ जाओ बेटा जी. नाउ क्वेश्चन क्या है, सक्सेस इज एवरी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इसके 5 रीजंस आपको बताने हैं, मतलब इम्पोर्टेंस बतानी है, एक तरीके से जस्टिफाई करना है कि मैनेजमेंट क्यों ही इम्पोर्टेंट है. तो अब आप बताएंगे मैनेजमेंट क्या होता है. नाउ सिंस अगेन इट्स अ हाई लेवल क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप पहले बताएंगे मैनेजमेंट क्या है. यहाँ पे ड्रकर की डेफिनेशन दे रखी है, आप कोई सी भी डेफिनेशन दे सकते हैं. हमने क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन अ टीम to reach the group goals, to achieve the group objectives, है ना. हमने पढ़ी थी हैरल एंड कॉन्स की, है ना. अब आप वही डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हो. अब जैसे सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका दिमाग एकदम ट्रिगर होना चाहिए कि हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. अब आपको इम्पोर्टेंस बतानी है. इम्पोर्टेंस हमने क्या पढ़ा था, DPSEG, याद आ रहा है. इम्पोर्टेंस हमने क्या पढ़ा था, DPSEG. तो क्या करता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है, परवेसिव होता है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है. अब आपको इनको एक्सप्लेन भी करना होगा बेटा जी, यू विल हैव टू एक्सप्लेन, बिकॉज इट्स अ 6 मार्क क्वेश्चन, ओनली हेडिंग्स वांट सॉल्व द पर्पस, यू विल हैव टू आंसर. ओके, यू विल हैव टू एक्सप्लेन. An organization sets certain goals. Management aims at achieving such goals by directing the individual efforts. तो जो individually सब लोग कर रहे हैं, उसको हम group में इकट्ठा करते हुए objective तक पहुंच रहे हैं. Dynamic organization मतलब समय बदलता है, चीजें change होती है, उसके according हमारे को adapt होना पड़ता है. With ever changing needs and demands of organization, an organization needs to adapt those changes. मैनेजमेंट हेल्प करती है पीपल टू अडॉप्ट सच या अडैप्ट सच चेंजेस इजीली, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू सस्टेन सक्सेसफुली इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. एफिशिएंसी बढ़ाता है ना, मैक्सिमम आउटपुट चाह रहे हैं हम मिनिमम कॉस्ट के साथ. तो विद प्रॉपर ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन, द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी बाय प्रोड्यूसिंग मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी हेल्प करता है फुलफिल करने. तो परवेसिव तो मैम आपने गलत बोल दिया, परवेसिव तो फीचर थे, करेक्ट बेटा जी, परवेसिव तो फीचर्स में था. यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी हेल्प करता है, बेसिकली मोटिवेट करता है एक इंडिविजुअल को. मैनेजमेंट ही तो मोटिवेट करता है एक इंडिविजुअल को कि वो अपना बेस्ट दे, ताकि वो अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी रीच कर सके, जैसे कि पीयर रिकग्निशन, जैसे कि सैलरी, जैसे कि पर्क्स, है ना. और जब वो अच्छे से काम करेगा तो ऑटोमेटिकली ग्रुप के गोल्स तो अचीव होंगे ही. A manager motivates its subordinates in such a manner that it boosts the morale and able to achieve personal objectives such as competitive salary, peer recognition, etc., while contributing to organizational objectives.
ठीक है। अब सोसाइटी की भी हेल्प करता है डेवलपमेंट में, कैसे, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, कभी कभी चैरिटी करता है, कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को हेल्प करता है, कभी स्कूल्स में हेल्प करता है, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाने में हेल्प करता है। कौन करता है? मैनेजमेंट ही तो करता है, आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक बेटे, तो अब आप देखिएगा ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको 1 नंबर तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझाने में आएगी और बाकी 5 पॉइंट्स आप लिख देंगे। नाउ सिंस दिस इज 6 मार्क क्वेश्चन, व्हाट आई सजेस्ट इज एक पेज छोड़ देंगे जब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, एंड में आके आप एक डायग्राम बना देंगे। वो डायग्राम किसी भी शेप में बना सकते हो, मतलब आप क्लाउड बना सकते हो, ठीक है, 6 क्लाउड बना दो, 5 क्लाउड बना दो, ऐसे इसके अंदर लिख दो, ठीक है, इसके अंदर लिख दो, या फिर आप एक नॉर्मल स्टार बना सकते हो, ऐसे यहाँ पे लिख दो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, या 1.2.3.4.5 पॉइंट, मैंने तो छोटा छोटा बनाया है ना, आपके पेज पे जब पूरा बनेगा तो आप लिख पाओगे इंक्रीज एफिशिएंसी, अचीव हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आप ये हेडिंग्स लिख पाएंगे। ओके, वरना एक सिंपल सा स्क्वायर बना के, रेक्टेंगल बना के उसको ऐसे ऐसे बना दिया, 1 2 3 4 5, ठीक बेटा, कैसे भी बना सकते हो, एक सर्कल बना सकते हो, उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक मेरे बच्चे, अगर 6 पॉइंट है तो 6 में ऐसे कर देंगे डिवाइड, ऊपर ले जाएंगे। हेडिंग तो 6 भी लिख सकते हैं, हमने एक्सप्लेन 5 करा है तो हम हेडिंग तो 6 भी लिख सकते हैं, मना थोड़ी ना करेगा हमारे को। यस बेटा जी, तो इसी के साथ आपके 6 नंबर होते हैं पक्के, 6 मार्क्स हो गए, डन है, डन। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन। क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन लाइक मेडिकल और लीगल प्रोफेशन, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? नो, वी डोंट अग्री, बिकॉज प्रोफेशन जो है एब्सोल्यूट मैनेजमेंट नहीं है। हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे, स्वीप पढ़ा था, याद है, स्वीप पढ़ा था, हमें कोई से भी 4 रीजन देने हैं, हम बताएंगे मैनेजमेंट इज इट इज नॉट 100%, नो इट इज नॉट फुल फ्लेजेड प्रोफेशन, मैनेजमेंट फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है मेरे बच्चे, इट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। वाई? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब अगर मेरे को मेडिकल लॉयर बनना है, लीगल प्रोफेशन में जाना है, तो मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक हर कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? मैं डॉक्टर निशा दुआ लगा सकती हूँ? नो, आई हैव टू नो आई हैव टू बी कंप्लायंट विद द मेडिकल साइंस, और आई हैव टू बी अ PhD, है ना, वैसे भी अगर PhD वाला डॉक्टर है तो मेडिकल तो फिर भी नहीं है ना, तो और वैसे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस जो है मैनेजमेंट में नहीं होती। वैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन में IIMA जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट ऑब्लिगेशन नहीं है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा है, दो IIMA इज एन एसोसिएशन फॉर मैनेजमेंट ग्रेजुएट, बट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर मैनेजर्स टू गेट रिस्ट्रिक्टेड विद द प्रोफेशनल बॉडीज लाइक मेडिकल काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है बेटे। तो ये लोग तो क्या करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट भी रेगुलेट करते हैं, जैसे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जैसे लॉ और मेडिकल प्रोफेशंस में तो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, IIMA ने करे हैं कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, बट ये स्टैचुएटरी बैकिंग नहीं है, लीगली इनको आप फॉलो अप करना जरूरी नहीं है अगर आप मैनेजमेंट में, तो ठीक है, सर्विस मोटिव होता है प्रोफेशन में, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम रीजनेबल प्राइसेस पे क्वालिटी गुड्स देते हैं, और बेसिकली एजेंडा कंपनी का प्रॉफिट ही रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही रहता है। यस बेटा जी, तो आपसे क्वेश्चन में 4 पॉइंट बोले थे एक्सप्लेन करने के लिए, एनी 4 बोला था, तो आप वो 4 एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप पहले समझाएंगे, पहले ये वाली स्टेटमेंट के आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, और ये 4 लिखने के आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, ऐसे मिलेंगे आपको 6 मार्क्स। क्लियर बेटे? और हमने इसका एक्रोनिम पढ़ा था स्वीप, तो अगर आप बच्चों ने पुरानी क्लास नहीं देखी है तो आप देखकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यस, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ मैम, मजा तो आ रहा है, मजा आ रहा है ना, तो बेटे फोकस करेंगे और आंसर्स देखेंगे लिखने कैसे हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कमिंग ऑन योर स्क्रीन। ओके, मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस इंटररिलेटेड फंक्शंस विद नो प्रीडिटरमाइंड सीक्वेंस।
अच्छा पहले से कोई सीक्वेंस नहीं है, किसको एक्सप्लेन करना है। सीरीज तो है भैया, कॉन्टिन्यूस भी है और इंटरलेटेड भी है, ये तो हम अग्री करते हैं। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज कॉन्टिन्यूस इंटरलेटेड फंक्शन विद नो प्रीडिटरमाइंड सीक्वेंस, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। है तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, बट अगर प्लानिंग में ही कंट्रोलिंग की जरूरत है तो ऐसे तो नहीं करेंगे कि नहीं भैया प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ही चलेंगे, है नहीं। तो प्लानिंग क्या होता है वो समझाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है वो समझाएंगे, स्टाफिंग क्या होता है वो समझाएंगे, डायरेक्टिंग क्या होता है वो समझाएंगे, कंट्रोलिंग क्या होता है वो समझाएंगे। एक एक लाइन में तीनों को समझ, पाँचों को समझा देंगे और ये आपके 6 नंबर डंडला डंडल हो गए। तो 5 नंबर तो मिलेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग समझाने के, और 1 नंबर मिलेगा ये जो आपने एक्सप्लेन करने को बोला, इसको इंट्रो जो दिया इसको, इसके लिए। ठीक है, प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है बाकी फंक्शंस करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक ऐसा क्रिएशन है जिससे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, जो जो प्लान बनाया है उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। स्टाफिंग क्या होता है, फिलिंग राइट जॉब्स विद राइट पर्सन, है ना, राइट जॉब्स विद राइट पर्सन। डायरेक्टिंग क्या होता है, जहाँ इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं लोगों को, ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव है हमने यहाँ पे प्लान किया था वो अचीव कर। यस, कंट्रोलिंग क्या है, इंश्योर करता है कि आप डिजायर टारगेट्स तक पहुंच सको, मतलब जो आपने सोचा है, जो आपने पाया, उसमें मिनिमम गैप होना चाहिए। आप एक्सप्लेन कर देंगे, अगर आपने क्वेश्चंस देखे हुए हैं तो एग्जाम में आएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बेटा जी, आई होप यू आर लर्निंग, गिव मी अ हार्ट इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। यस, चलिए बेटे अब करते हैं, और फिर आप इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस, दैट इज द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, जो कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। सिमिलरली डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन एंड कंट्रोलिंग इंश्योर्स मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। हाउएवर द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजर आर डिस्कस्ड इन ऑर्डर, ऑर्डर दे रखा है भैया, पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। बट इन रियलिटी द मैनेजर्स आर रेयरली एबल टू कैरी देम इन आइसोलेशन, भैया अकेले अकेले नहीं होगा, इसलिए इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट वेयर वन एंडेड एंड वेयर द अदर बिगैन, दस दीज मैनेजमेंट फंक्शन आर इंटर रिलेटेड विद नो प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस। इसलिए हम बोलते हैं कि प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस नहीं पता चल सकता, जबकि हमें पता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, बट प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस नहीं बोल सकते। हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे कौन सा खत्म हो रहा है और कहाँ पे दूसरा शुरू हो रहा है। ठीक है, इंटर रिलेटेड है, और फिर आपको मिल जाएंगे पूरे 6 नंबर। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है मेरे बच्चा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज समथिंग दैट वेंट ऑन माय आईज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो एक मैनेजर इंटीग्रेट करता है इंटरलेटेड एक्टिविटीज को, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को इंटीग्रेट करता है कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पहुंचने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो भी हो रहा है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, हम फीचर्स बता देंगे कोऑर्डिनेशन के। ठीक बेटे, क्या है कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, क्या बताया था अपन ने, पुलिस कंट्रोल ड्रग्स बताया था ना, पुलिस कंट्रोल ड्रग्स। तो भैया बेटे क्या है, इट इज अ ग्रुप एफर्ट। जी, यूनिटी ऑफ एक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रुप एफर्ट्स बोले तो ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर इंटरडिपेंडेंट, देयरफॉर देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन अमंग देम। कोऑर्डिनेशन एनेबल्स द बिजनेस टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ग्रुप एफर्ट्स में काम कर लोगे। यूनिटी ऑफ एक्शन कोऑर्डिनेशन एनेबल्स द मैनेजर टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन डायरेक्शन फॉर कॉमन पर्पस, व्हेन इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। क्या बेटे, कंटीन्यूअस प्रोसेस है, कहता था पुलिस कंट्रोल ड्रग्स, ऐसे नहीं है ड्रग, जी हो गया, यू हो गया, सी हो गया, कंटीन्यूअस प्रोसेस है। इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट वन टाइम टास्क, एक बार हो गया तो खत्म है। अ मैनेजर हैज टू कंटीन्यूअसली कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन ऑर्डर टू मीट द टारगेट्स बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली।
ठीक है, परवेसिव फंक्शन है, मतलब हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे इंडिया में हो चाहे जापान में, हर लेवल पर यूज होगा ही होगा कोऑर्डिनेशन। तो ये रहा पी, भी डन हो गया। एंड इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन, मतलब जानबूझकर मैनेजर्स करते हैं ताकि आप अचीव कर सको गोल्स को। या मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ कॉन्शियस एंड अ डेलिबरेट मैनर, ठीक है। एंड इट आर से क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर। और इसके साथ हमने पुलिस कंट्रोल ड्रग जो है हमने सीख लिया, और हमारे फीचर्स भी हो गए कोऑर्डिनेशन के, और ये हमारे 6 नंबर हमारे को दिए गया था क्वेश्चन लाइक दिस का। ठीक बेटा जी, कोई कंफ्यूजन? नक्को मैम नक्को, मजा आ रहा है। ठीक है बेटे, फिर 6th क्वेश्चन करते हैं, आइए समझते हैं। वैसा केस स्टडी बेटे, केस स्टडी आया हुआ है, तो सिंस इट्स अ केस स्टडी, व्हाट वी विल डू इज वी विल फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन वी विल डू द केस स्टडी। ओके, इन द अबव केस फाइंड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बना बताने। हमने क्या था, माई चार्मिंग डैड इज गिविंग अ ग्रैंड पार्टी, है ना। ये बताते ना हमने फीचर्स मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड हाईलाइट द लाइंस विल विद विच विल हेल्प यू आइडेंटिफाई देम। तो आपको लाइंस भी हाईलाइट करनी है, ठीक है। हमने सी दिमाग स्क्वायर, G² IP, MACD या MACD पिग स्क्वायर हमने पढ़ा था, ये सारे पढ़े थे अपने। माई चार्मिंग डैड इज गिविंग अ ग्रैंड पार्टी, कैसे भी याद करा था हमने वैसे कर लेंगे। और हमारे को यहाँ से बताना है, इस केस स्टडी से बताना है कि कहाँ का हाईलाइट हो रखे, ठीक है। हमने क्या लिया था, G² IP, MACD, हमने ऐसे याद किया था ना। ये कैसे भी जो भी आपने लिखा है, सीधी मार्क्स स्क्वायर, अगर आपने माय चार्मिंग डैड मतलब मैं MCD इज गिविंग अ ग्रैंड पार्टी, तो GGP वैसे कर लो, वैसे भी कर लो, ठीक है। बट आपको याद होने चाहिए, और वो सारे जब आपको याद होंगे तो आप रिलेट कर पाओगे इस केस स्टडी से, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। XYZ इज अ कंपनी विच हैज इम्प्रूव्ड इट्स फंक्शनिंग बाय प्रॉपर मैनेजमेंट। ओके, द कंपनी हैज बीन गिविंग इन फिक्सिंग कंप्लीटिंग टारगेट्स, कंप्लीट भी कर रही है और फिक्स भी कर रही है टारगेट्स को, गोल ओरिएंटेड है ना बेटे। द मेन रीजन फॉर इट इट्स सक्सेस हैज बीन इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। तो बोले तो ग्रुप एक्टिविटी है ना। द कंपनी ट्राइज टू कीप इट्स टारगेट इन फ्रंट ऑफ एम्प्लॉइज सो दैट ईच वन ऑफ देम कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द कम्प्लीशन ऑफ गोल्स, गोल्स तक पहुँचने वाले हैं, है ना। फिर क्या है, दो देयर एक्टिविटीज मे बी डिफरेंट येट दे कॉन्ट्रीब्यूट टू कॉमन टारगेट्स, ग्रुप गोल्स अगेन, ठीक है। द कंपनी मे हैज वन प्राइज फॉर द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स दिख रहा है हमारे को यहाँ पर। दिस हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट मैनेजरियल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन दिख रहा है कि नहीं, विच माइट नॉट बी विजिबल टू आउटसाइडर इन द फर्स्ट लुक बट रियलाइजेज इट वेन ही स्टेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेजुअली द ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड इन टू अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी, कंपनी बहुत सक्सेसफुल हो गई है। इट हैज प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियोज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड इट हैज अडेप्टेड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मार्केट डायनेमिक, है ना, डायनेमिक के साथ कर रहे हैं। ड्यूरिंग लास्ट डेकेड It has adapted to requirements of market and produced different type of radios suiting the needs of the customers. The management of three component is being significant to the company, employees, process and amount. To bole to multi-dimensional management of people, management of work and management of operations, hai na, or work to be done. Controlling these three areas is always a top priority of the company. Recently in a meeting, recently a meeting was held which laid stress on need of taking good management to all levels. It is pervasive also. All levels dikhte mein pervasive dikhne lagega. And departments of the organization. So, humko sare points dikh rahe hain. Aaiye dekhte hain kaise likh rakha hai.
Management is a goal-oriented process. It's a group activity. It is an intangible force, dynamic function, multidimensional, and it is all pervasive. इसको explain कर देंगे. और बेटा जी जो हमें since question बोल रहा है highlight भी करना है, जबकि हमने यहाँ पे answer में highlight नहीं किया है. हाईलाइट द लाइन, तो हमने जहाँ जहाँ हाईलाइट करा है ना, जिन जिन के साथ हमें लग रहा है कि ये पॉइंट्स हैं, तो वो भी आप एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे. ठीक है बेटे, जैसे हम परवेसिव बता रहे हैं तो लास्ट वाली लाइन, रिसेंटली मीटिंग डैश 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 और टू ऑल लेवल्स एंड डैश 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 ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लिख देना कि कौन सा फ्रेज आया. 6 नंबर क्वेश्चन है, हम रिस्क नहीं लेंगे, हम लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में दिख रहा होगा. ठीक बेटे, हाईलाइट करने को बोला है क्योंकि कोट करने को बोला है. एंड यू विल एक्सप्लेन. Am I clear to all of you? मजा आया कि नहीं आया? With this we are done with your hearts also. तो सब बच्चे मुझको क्या देने वाले हैं? बल्ले बल्ले. Now we'll start with your chapter number 2 tomorrow. ठीक है? अब हम chapter number 1 के लिए एकदम सक्षम, एकदम capable हो गए हैं. And now guys, this is how we'll continue to do your all chapters. बेटा जी, हम खुद तो पढ़ ही रहे हैं, है ना, हम यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, स्कूल भी पढ़ा रहा है, बट अगर आप अपने लिए बेस्ट प्रिपरेशन चाहते हो जहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सके, जैसे 2000+ hours ऑफ लाइव ऑनलाइन क्लासेस, देर विल बी टेस्ट हैपनिंग जिनके रिजल्ट्स दिखेंगे, रिपोर्ट कार्ड में आपको पता चलेगा क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है और उस पर आप काम कर पाओगे. असाइनमेंट्स होंगे हर सेशन के बाद, क्योंकि 10+ टीचर्स 5+ ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ आपको डुअल टीचर मोड में पढ़ाने वाले हैं, मास्टर टीचर के साथ क्लास टीचर्स भी होंगे. असाइनमेंट हर सेशन के बाद आएगा जो आपको करना होगा. इनके थ्रू आपको हजारों क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिलेगा फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स, बी इट अकाउंट्स, बी इट मैथ्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज. ठीक है, एंड सिंस यू गाइस आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, सो माय लैंग्वेज विल ऑल्सो नॉट बी अ प्रॉब्लम बिकॉज द क्लासेज विल बी ओनली इन इंग्लिश, मेजरली इन इंग्लिश. ओके बेटे, तो आप रो सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स ले सकते हो. 1 and 12 month plans are available. You don't have to pay the actual prices, you only have to pay the after discounted prices, which are instead of 3900 for 1 month, you only have to pay 3510 rupees. For 12 months, instead of 46,170, you only have to pay 41,553. बोले तो 10% discount, but a 10% discount तभी मिलेगा अगर आप मेरा coupon code use करोगे जो कि है DD Pro. एक link दिया हुआ है description box में, click करो. Enroll now. I have a coupon code DDPRO, 10% off aapko mil jayega. Okay, beta ji, with this we are done with today's session. For notes and updates about your YouTube channel Vedantu Commerce, join the Telegram group. Link diya hua description box mein. फटाफट से जिन बच्चों ने अभी तक अपनी attendance mark नहीं करी है वो like करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे बेटा जी. एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड. आई विल सी यू गाइस टुमारो. कल हम मिलेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा जी. इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन गेट बैक टू यू एंड रिप्लाई टू योर मैसेजेस. ओके बेटा जी, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग. Love you all. Stay blessed. This is your master teacher, CM Medusha Dua, signing off for today. Bye-bye, guys. Stay blessed. Vedantu Commerce ke saath aane wala future ekdam bright hai. Love you, bete. Bye-bye. Take care. Stay blessed.